सो हे गाइस, वेलकम बैक टू। देखो, आईपीओ की तरफ से कल एक ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हुआ है। एंड हाँ, आप सब सही सोच रहे हो, ये वही है एक्सटेंशन का, कि अब जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की डेट है वो फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। एंड यार, मेन चीज़ है कि मुझे लगता है वो यूज टू हो गए हैं इन चीज़ों के लिए, कि वो बार बार अब डेट को एक्सटेंड ही करे जा रहे हैं। सबसे पहले लास्ट डेट थी 10th अक्टूबर, फिर एक्सटेंड होकर हो गई वो 16th अक्टूबर। चलो यार, तब तो जरूरत थी, बिकॉज 10th तक सबका रिजल्ट नहीं आया था, तो फिर भी लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए 16th सही थी। 16th तक वैसे भी मैक्सिमम ने जो है रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। उन्होंने 16th को जो है एक नोटिस निकाला, उसमें उन्होंने डेट एक्सटेंड करी कर दी थी 19th अक्टूबर, 19th कर दी। अब 19th कल निकली ही थी, उन्होंने कल रात को फिर से नोटिस निकाल दिया कि अब लास्ट डेट एक्सटेंड होके हो चुकी है आपकी 22 अक्टूबर, ठीक है ना। ये 25 कोर्सेज है जिनकी है काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड कर दी गई है। एंड आपको नहीं पता कि काउंसलिंग क्या होती है, तो यार मेन चीज है कि जो भी आपने सीईटी एग्जाम दिया था उसकी बेसिस पे जो भी आपकी रैंक आई है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू ही मिलते हैं। एंड उस काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, एंड उसके लिए आपको 1000 रुपीज की जो है फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आप काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हो। तो यार, अब मेन चीज है कि इन्होंने फिर से ये 22 तारीख कर दी है लास्ट डेट एक्सटेंड करके। मतलब पहले 10, फिर 16, फिर 19, अब 22 है। अब मुझे ये डर है कहीं है 22 को फिर से नोटिस निकाल के कह दें कि भाई आपका 25 हो गया है। तो यार मेन चीज ये है कि यार वैसे भी ईयर का एंड आ चुका है, जिस टाइम पे सेमेस्टर वन भी खत्म होने वाला होता है उस टाइम तक तो एडमिशन खिंच गया है इनका। एंड उसमें भी यार अभी आप कॉलेज अलॉट करोगे, उसमें भी यार काफी काफी राउंड्स होंगे, एंड पता नहीं कब तक टाइम लग जाएगा इसके अंदर। एंड टाइम लगने के बाद भी यार कब तक कॉलेज में लोग जा पाएंगे, सो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। वैसे भी सब इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन भरे दिन जी रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, सबको टेंशन है कि जी मिलेगा नहीं मिलेगा कॉलेज। तो यार आप एक तरफ करो ना सीधा काउंसलिंग, वैसे भी जिनको करवानी थी वो ऑलरेडी करवा चुके हैं, अगर कुछ बच्चे भी है तो उनके लिए आपने डेट बता दिया, उनको पता है वो डेट उसके अकॉर्डिंग वो करवा लेंगे। इतनी बार एक्सटेंड करने का क्या फायदा है? मतलब 16 तक ठीक था, फिर 19 कर दी, चलो फिर भी मान लिया कि 19 ठीक है, अब 22 कर दी। अब मतलब आप कब फिर काउंसलिंग स्टार्ट करोगे, कब आप कॉलेज अलॉट करोगे, कब प्रॉपर जो है वो फीस पे करेंगे, फिर कब वो कॉलेज स्टार्ट करेंगे, यार कितना टाइम लग जाएगा इस चीज में। तो यार चलो, जो भी आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया तो अब कर दिया है। मैं मानता हूं मेरे पास यार काफी कमेंट आते हैं कि भैया कब आगे प्रोसेस बढ़ेगा, लेकिन यार ये सब उन पे ही डिपेंड है यार, वो ही करवाना पड़ेगा उनको, एंड वो ही इतना टाइम लगा रहे हैं। अब बस मुझे ये डर है कहीं वो 22 को फिर से नोटिस निकाल दे कि जी आपका 3 दिन फिर एक्सटेंड कर दिया। मतलब पता नहीं यार क्या कर रहे हैं ये। तो यार ये है कि आपने अगर सीईटी एग्जाम दिया था तो आप यार अब आपको अगर काउंसलिंग में बैठना है तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, एंड रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर LLM सीईटी कोड 112 एंड BA LLB BB LLB। सो यार अगर आप LLM करने वाले हो या फिर आप BA LLB या फिर BB LLB करने वाले हो, सो उसके रिगार्डिंग देखो यार आपका जो फॉर्म की डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है, 22 अक्टूबर हो चुकी है। सो आप यहाँ पे फॉर्म के 1200 प्लस यहाँ पे 1000 रुपीज फॉर योर काउंसलिंग इकट्ठा पे करके जो है रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, काउंसलिंग की भी और फॉर्म की, ठीक है ना। तो इसकी लास्ट डेट भी है 22 अक्टूबर, ये भी पहले 19 हो गई थी, फिर से उन्होंने 22 कर दिया है। तो यार मेन चीज है कि अगर आप LLM में इंटरेस्टेड हो या फिर BA LLB BB LLB, सो उसके रिगार्डिंग भी फॉर्म फिलिंग और साथ में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप एक साथ करवा सकते हो 2200 रुपीज पे करके। ये बात हो गई यहाँ पे। एंड यहाँ पे है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द यूनिवर्सिटी फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑनलाइन। तो देखो, ये डाउट सबके मन में आ रहा था कि भैया जो लास्ट डेट है वो सबके लिए एक्सटेंड हुई है फिर खाली रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हुई है। तो यार देखो, लास्ट डेट जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की वो सभी के लिए एक्सटेंड हुई है, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की है वो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के होंगे, ठीक है ना। एंड इसकी जो डेट है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन की डेट उन्होंने कर दिया 24 अक्टूबर 2020। मतलब हर एक चीज में उन्होंने 2-2, 3-3 दिन आगे बढ़ा दिए हैं। अब यार मुझे बस ये है कि अब बस यही लास्ट एक्सटेंशन हो, इसके बाद अब वो काउंसलिंग स्टार्ट कर दे एंड आपको यार कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। बिकॉज यार सब परेशान हो रहे हैं समय में यार, एक तरफ वो हूं बिकॉज यार डायलेमा में लगे हुए हैं कि यार वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो वो कंफर्मेशन तो काउंसलिंग में बैठने के बाद ही पता चलेगी। सो गाइस, बस यही एक अपडेट था, ये उनके लिए बेनिफिट है जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। सो अभी भी आपके पास 22 तक का टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के बिना आपको काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, एंड काउंसलिंग में बैठने के बाद ही आपको आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज अलॉट होंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, यही एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा अपडेट था। एंड ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, अपडेटेड रहने के लिए यार अभी मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।